बस उस तरफ मतलब उस टाइम से ऑनवर्ड मैं अभी तक स्ट्रेस में हूँ uh -huh. मतलब छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती हूँ या मेरे जो अभी जो एक्टिव प्रॉब्लम है मैं वो आपको बताती हूँ कि फर्स्टली मुझे खाना खाने में बहुत इशू होता है मतलब एक अजीब सी एंग्जाइटी होती है कि गले में मेरे खाना फंस ना जाए uh -huh. मैं बहुत अनइजी होती हूँ खाना खाते हुए मतलब सही से मतलब मैं कहीं अगर फैमिली गेट टुगेदर में होती हूँ बहुत एम्बेसमेंट होती है कि सब मुझे नोट कर रहे होते हैं कि मैं जितना अनइजी हो रही होती हूँ और स्टार्टिंग में तो ऐसे था कि मुझे बार बार यूनर आ रहा है स्टमिक इश्यूज हो रहे हैं कलर मेरा पेल हो गया है बहुत ज्यादा ऐसे इश्यूज बने कभी लेफ्ट वाली बाजू से मेरे हीट मुझे फील हो रही है तो, ऐसे डिफरेंस सब मुझे बहुत मतलब एक दिन मैं घर होती थी दूसरे दिन हॉस्पिटल टेस्ट करवा लिए सारे कि कोई इशू तो नहीं है फिर एक सबसे मेन प्रॉब्लम को कोई मुझसे अपनी बीमारी डिस्कस करता है ना तो आपको पता है एंगजाइटी में भी कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो तो वो 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 मुझे मुझे ऐसे ऐसे लगता है है कि नहीं उसके डिप्रेशन में मैं चली जाती है। मतलब ऐसे ही बस हर चीज में मतलब परेशान हो जाती हूँ मतलब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मेरी तबियत बहुत बेहतर है अलहमदल सर तो कैसे तो कैसे मैंने से मुझे आप बिलीव करें कि मैंने बहुत साइकेट्रिस्ट को कुछ भी हर तरह से मैंने देख लिया था लेकिन कुछ भी फर्क नहीं था लेकिन एक तो मैंने नमाज नहीं पर तो मैं कंटिन्यूसली पढ़ती रही हूँ उसकी अल्लाह का शुक्र है मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ मतलब वो जितने पैने का टैक मुझे बहुत ज्यादा स्वेयर किस्म का होता था ना कि बस मैं तो उस टाइम बिल्कुल ब्लैंक हो जाती उससे बेटर ये है कि मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती हूँ अपने आप को और कुछ ये बस यही है और मैं एक्चुअली मेरी शादी भी होनी है मैं इस चीज को सोच मेन जो मुझे डिप्रेशन है ना मुझे ये कि मुझे आगे ये प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े मैं इस चीज को ख़त्म करना चाहती हूँ मतलब ट्रैवलिंग में मुझे इशू होता है कि मतलब ट्रैवल अब मैं करती हूँ ना तो मैं मेडिसिन पानी और ये सारा कुछ साथ रखती हूँ कि तबीयत नहीं भी ख़राब होनी ना लेकिन मेंटली ऐसे होता है कि अगर होगी तो मेरे पास सब कुछ हो कि मैं सब कुछ ले लूँ मतलब इजी नहीं होती मैं किसी चीज में भी इजी नहीं हूँ हर चीज में स्ट्रेस है लेकिन जब मैं फंक्शंस पे जाती हूँ तो उधर जाके मैं इतना रिलैक्स होती हूँ एंजाइटी डिप्रेशन होता ही लेकिन जब खाना खाने लगती हूँ वही फीलिंग फिर हो जाती है ये प्रॉब्लम्स बहुत मेरे साथ है तो मुझे स... खाने वाली फीलिंग्स कब से है आपके साथ सर ये मैंने आपको बताया ना जब फोर्थ क्लास में थी ना उस टाइम से मुझे ना खुले आसमान के नीचे या बहुत ज्यादा कोई ओपन स्पेस होना वहां भी मैं बिल्कुल मुझे होता मुझे चक्कर आ जाएगा मैं गिर जाऊंगी और उधर तो मुझसे खाना बिल्कुल खाया ही नहीं ना जाता ठीक लेकिन है लेकिन घर में भी मैं अनइजी होती हूँ हम्म हम्म ठीक हो गया और कोई चीज बस यही है इशू इसका मुझे बस सलूशन आप कुछ बता दें कि मैं क्या करूं इतने छोटे जिससे मैं उसको

ठीक की की। करने के लिए मेरी एक बुक भी आ रही है इनशाला बहुत जल्द जेनी मरीज से लेकर लाइफ कोच तक के मैं लाइफ कोच कैसे बना उसमें मेरे डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंसिस हैं तो मैं जो आपको बात बताऊंगा ना इट्स सेम लाइक आप समझे कि आप अपने जो है ना वो अपने ही शेडो से वो सारी जो है ना प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ले रही है आप चुके हैं सेंसिटिव नेचर तो सेंसिटिव नेचर जो बंदा होता है ना वो थोड़ा सा सफर करता है लेकिन आप सबसे जो ये गलत चीज कर रही हैं थोड़े को बड़े के साथ जोड़ रही हैं ठीक है थिके? जैसे अभी आपने कहा कि ये मेरी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं एक बिलीफ सिस्टम आपके अंदर जो सबसे अच्छा रहा जिसने आपको पहले से बेहतर किया अल्लाह पे यकीन तीन हाँ, यकीन, जो तीन यकीन होते हैं वो इंसान की जिंदगी बदलते हैं नंबर वन अल्लाह पे यकीन नंबर दो अपने आप पे 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 यकीन यकीन नंबर तीन उस जिस रस्ते पे वो चल रहा है जैसे कि आप मेरी बातों पे चल रही हैं तो आपको इन बातों पे हंड्रेड एंड टेन परसेंट यकीन करना पड़ेगा अगर आप यकीन के साथ चलेंगी तो ही आपकी लाइफ बदलेगी अच्छा आपने कहा जी। कि गले में खाना फंस जाता है या मैं लोगों के सामने बैठ के खाना नहीं खा सकती घर में आप ठीक खाना खा सकती हैं मतलब घर में बाहर से थोड़ा कुछ बेटर होता है फंसता नहीं है सर मैं मतलब मुझे फीलिंग होती है कभी फंसा है, like, uh, है एकदम से कॉन्शियस हो जाती हूँ तो एकदम से वो, uh, हो जाता है ऐसे लेकिन ये कि फिर बाद में खुद ही नॉर्मल फिर मैं खाना ही छोड़ देती हूँ कि मैं जब ठीक हूँ ना फिर मैं खा लूंगी ठीक है ये आपका बेसिकली जस्ट एक फोबिया है ठीक है और फोबिया किसी हाँ जी ये फोबिया किसी एक्सपीरियंस से हुआ है ठीक है मैं फोबिया को दूर करने के लिए ना आपको एक छोटी सी जो है वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट की जो है ना वो एक शेयर करता हूँ आपके साथ कि वो फोबिया को कैसे दूर करते थे अल्बर्ट बंडूरा अमेरिका में लोगों को बहुत ज्यादा ना सांप से डर लगता था सांप के बारे में लोग बहुत ज्यादा फोबिया क्रिएट कर लेते थे तो इस बंदे का फोबिया को निकालने का तरीका क्या होता था जैसे अभी मैं बैठा हूं सामने इसके एक बंदा आता था जो इसका पेशेंट होता था वो सारे इसको बारे में बताता था कि जी मुझे सांप के बारे में ये ख्याल आते हैं सांप के बारे में ये ख्याल आते हैं ये बड़ी तसली से उसको पहले सुनता था फिर उसके बाद कहता था कि अगर आपके सामने सांप आए तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे तो वो कहता था मैं तो डर जाऊंगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो कहता था अगर मैं आपको बताऊं कि साथ वाले कमरे में सांप है तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे तो वो कहता कि जी इसी तरह मैं तो डर जाऊंगा मैं तो उसका सामना नहीं कर सकता ये है वो है फिर वो खिड़की के ऊपर से ना पर्दा ऐसे कर्टन हटाता फिर देखते तो साथ वाले रूम में वाकई सांप होते तो वो जो पेशेंट होता वो घोर डर जाता तो ये बंदा जो है ना उस बंदे का हाथ पकड़ता और उसको खिड़की के पास लेकर जाता और कहता कि अब बताओ ये सांप तुम्हें क्या कर सकता है वो कहता है ये खिड़की तोड़ के आके मुझे जो है ना वो काट सकता है खा सकता है तो वो ऐसा कुछ नहीं होता तो थोड़ी देर बाद एल्बर्ट बंडूरा उसे कहता कि अब देखो इसने तुम्हें काटा वो कहता है जी नहीं काटा कहता चलो टेस्ट के लिए एक बंदा इसके पास भेजते हैं वो अपना एक असिस्टेंट उसके पास भेजता उसका असिस्टेंट उसके पास जाता उसको गले में डाल लेता तो वो जो अः पेशेंट होता था वो कहता था कि ये अभी थोड़ी देर बाद जो सांप है ना इसको खा जाएगा अल्बर्ट बंडूरा कहता अगर इसने ना इसको खाया तो कहता नहीं खा जाएगा थोड़ी देर गुजरती है फिर वो जो सांप होता है वो उसके जो असिस्टेंट होता है उसको नहीं खाता तो अब अल्बर्ट बंडूरा उस बंदे से जितने सवाल करता है उस बंदे में भी थोड़ी सी हिम्मत आती है उसका हाथ मजीद पकड़ता है उसको शीशे के पास मजीद लेकर जाता है उसे कहता है अगर तुम्हारे और शीशे के दरमियान यानी कि सांप के, के दरमियान ये जो शीशा है अगर ये हट जाए तो तुम सांप को पकड़ लोगे वो कहता नहीं जी नहीं मैं नहीं पकड़ सकता ये है वो है तो वो क्या करता है उसको उसका हाथ पकड़ता है उसको दूसरे कमरे में लेकर जाता है और उसको सांप पकड़ाता है जैसे ही वो बंदा सांप को पकड़ता है उसका ये डर खत्म हो जाता है और मोस्टली लोगों का एक ही सेशन में ये सांप का डर खत्म हो जाता है लेकिन ये चूंकि एक एक वो चीज है कि आपने एक्सपीरियंस किया लेकिन एनएलपी जो कि मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पढ़ी तो उसमें एक चीज़ ये भी है कि आप कॉन्शियसली कोई चीज कर लो या सबकॉन्शियसली कोई चीज कर लो और उसे सबकॉन्शियसली अगर प्रोग्राम कर दो तो आपका जो कॉन्शियस है ना उसको रियलिटी मान लेता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है ठीक है अगर कोई चीज आपके सबकॉन्शियस में प्रोग्राम होगी तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है पहली चीज तो ये कि आपने एक इमेज अपने अंदर देना है वो इमेज क्या होगा लोगों में बैठी हैं आप खाना खा रही हैं सेम सेम ये problem, सेम ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऑलमोस्ट मैं कोई जितने भी मेरे पास बहुत से लोग इस चीज को लेके कोचिंग के लिए आ चुके हैं और मैंने खुद भी ये एक्सपीरियंस की हुई है जी, और मैं ये अपने कॉल सेंटर में दो तीन दफा कर चुका हूँ लेकिन मुझे उस टाइम इसका आइडिया नहीं था मुझे आई फिर चलेगी लेकिन ये चीज मैं बहुत से लोगों की दूर कर चुका हूं आपने सेम एक चीज करनी है सिंपल सी एक्सरसाइज है आपने आंखें बंद करनी है ठीक है लेकिन ये एक्सरसाइज सिर्फ कुछ हद तक काम करेगी इसके साथ बहुत कुछ है वो भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है आपने आंखें बंद करनी है चेहरा आपका मुस्कुराता है और बॉडी आपकी बिल्कुल स्ट्रेट हो मतलब ये नहीं कि कंधे झुके ये ऐसे डर वाली कैफियत नहीं बिल्कुल स्ट्रेट हो स्माइलिंग फेस के साथ आपने अपने पसंदीदा कपड़े पहनने हैं पसंदीदा परफ्यूम लगाना है अगर आप लगाती हैं पसंदीदा जूती पसंदीदा ज्वेलरी बेस्ट से बेस्ट उस जगह पे आप बैठ के खाना खा रही हैं स्माइलिंग फेस के साथ और ये मैं आपको लाइव भी करवा के दे सकता हूँ लेकिन करवा सकता हूँ लेकिन लाइव करवाऊंगा तो टाइम काफी लग जाएगा तो आपको मैं जस्ट इसकी हिंट्स दे रहा हूँ ये आपने एक्सरसाइज करनी है और दिन में दो बार करनी है एक दिन फिर हिम्मत करके उस जगह पे जाना है जहां सबसे ज्यादा डर लगता है आई एम श्योर अब जो आपका डर होगा ना वो टेन टू ट्वेंटी परसेंट होगा I'm sure. जी। ये आपके डर को आपके एक्सपीरियंसेस को चेंज करने के लिए माइंड की रिप्रोग्रामिंग करने के लिए चूंकि आप सेंसिटिव नेचर आप जरा जरा चीजों को, को लेके पैनिक हो जाती है आपको पैनिक अटैक्स भी exactly. आते हैं आपको ट्रेवलिंग फोबिया भी है ट्रैवलिंग फोबिया में भी यही टेक्निक करनी है आपने आंखें बंद करके सोच रही है कि आपकी जो जो ट्रेवल कर रही हैं वो विदाउट एनी हेल्प कर रही हैं आपने हेल्प नहीं करनी ठीक है और इसके बाद जो शादी से पहले आपकी लाइफ जो है उसको छोड़ दें अब शादी के बाद कैसी लाइफ होगी उसके लिए विजुअलाइजेशन करें जैसी आप लाइफ चाहती हैं जैसा हस्बैंड का बिहेवियर चाहती हैं ये करें और शादी के बाद अगर आपका वैसा हस्बैंड का और ये सारी चीजें ना बिहेवियर हुआ आप इन्हें एक बार ये चैनल पे आके कमेंट करना है आप हैरान कि में अल्लाह ने पावर कितनी रखी है क्योंकि अल्लाह का फरमान है आप का फरमान है कि जिसने जिस की नियत की, उसने आखरत उस को, को, को पा लिया जिसका नीयत माल की थी उसने माल को पा लिया तो हमारी नीयत क्या है एक अच्छी लाइफ आप अच्छी लाइफ की नीयत करें ये कायनात पूरी आपको अच्छी लाइफ में लाने में लग जाएगी जी सिम्टम सर ये ये भी तो होता है ना कि मैं अब कुछ भी कलाम पाक पढ़ के जो आपने अभी बात बोली है ना वो मैं अपनी शादी को लेके क्योंकि मैं उस चीज़ को सोच के भी हूँ कि मुझे आगे ये सब फेस ना करना पड़े क्योंकि मेरी फैमिली जब इरिटेट होती थी तो मुझे वो चीज़ बहुत हर्ट करती थी तो मैं आगे ये सब फेस नहीं करना चाहती मैं चाहती हूँ मैं इस चीज को अभी खत्म करूँ ताकि मुझे आगे ये सब कुछ ना लेकिन जब मैं पढ़ाई करके वो इमेजिनेशन कर रही होती हूँ ना कि सब कुछ ये ठीक हो रही है उस टाइम नहीं होती लेकिन जब मैं फ्री हो जाती फिर मुझे वो सब याद आ लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रही होती हूँ तो फिर वही नेगेटिविटी माइंड में होती है ये जो हम बात कर रहे हैं ना ये थर्टी टू फोर्टी परसेंट है अभी 60 जी। की गेम बाकी है। जी। पहली मैं आपका ये सवाल का जवाब देता हूँ मैं एक ही चीज कहता हूँ दुनिया का खुश इंसान वो है जिसे उसका अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिला मगर ये मुझे दुनिया में सिर्फ वन परसेंट लोगों के केस में नजर आता है मोस्टली लोग वही होते हैं कि जिनका लाइफ पार्टनर ही सबसे ज्यादा उनको टीज कर रहा होता है आप किसी से कभी एक्सपेक्ट ना करें मैं एक ही चीज जानता हूं मैंने जिंदगी में बड़े लोगों से एक्सपेक्टेशन लगाई मैं बहुत रोया बहुत गिर गिराया बट एंड ऑफ द डे आई रियलाइज एक्सपेक्टेशन सिर्फ अपने आप से लगाओ और अपने अल्लाह से लगाओ किसी और से ना लगाओ अब सिक्सटी परसेंट में क्या करना है रूटीन बताएं मुझे अपनी कितने बजे सोती हैं कितने बजे उठती हैं क्या क्या कुछ करती हैं

और नाश्ता कितने बजे सुबह नाश्ता आठ बजे नाश्ते में आठ मोस्टली नाश्ते में, में मोस्टली क्या लेती हैं रोटी और फ्राई एग और दोपहर के खाने में दोपहर के खाने में कभी चिकन या कुछ भी बनाओ तो बस एक ही रोटी लेती हूँ और रात के, के खाने में रात के खाने में रात में मैं लाइट दूध पत्ती और साथ में रस क्योंकि रात में मैं खाना रोटी नहीं लेती बस ये थोड़ा लाइट सा कुछ ले लेती हूँ आपको किसने कह दिया दूध पत्ती और साथ ये रस जो है ये लाइट खाना हमारे पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला पता है क्या कि इन लोगों को पता नहीं है कि खाना क्या और इन लोगों को पता नहीं कि सोना कब है मेरे पास मोस्टली जो केसेस आते हैं ना वो कराची से आते हैं तो जो लोग भी कराची वाले हैं ना मैं सबको एक ही चीज कहूंगा एक तो चाय रस का नाश्ता छोड़ दो दू, और दूसरा जो है ना रात को वक्त पे सो मुझे ये सब

बहुत सी चीजें या बहुत सी बातें हैं जो इंसान ऑन कैमरा नहीं बता सकता बट जिंदगी में बहुत से लोगों ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होता है ये जो भी बातें आपने बताई मैं आपकी सबसे खुशी मुझे इस चीज की है कि आप डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। हाँ जी आप लाइफ बदलना चाहती हैं और अल्लाह आपके गुमान के मुताबिक है अगर आप चाहेंगे तो अल्लाह दे देगा अगर आप नहीं चाहेंगे तो वो कभी भी नहीं देगा क्योंकि हदायत वो नूर है जो हर किसी को नहीं मिलता सिक्सटी परसेंट में क्या करना है सिक्सटी परसेंट में क्या करना है खुद को थका दें लगा दें जोर अपने मोटिवेटर बन दें अपने कोच बन जाए कोई नेगेटिव ख्याल आता है ये नहीं होगा अपने आप से कहे होगा मैं तो ये नहीं कर सकती क्यों नहीं कर सकती मैं करूंगी मैं करूंगी मैं करके दिखाऊंगी खाया नहीं जाएगा खाऊंगी सबके सामने खाऊंगी गले में फंस जाएगा कोई बात नहीं पानी पी लोगे अपने डर से जितना डरेंगे डर आपको उतना डराएगा डर से नहीं, नहीं डरना आपने डर से डरना नहीं आपने और जिंदगी में परेशान होना है लेकिन परेशान नहीं रहना आपने सुबह फजर की नमाज के बाद वॉक की आदत अपनाएं जितनी ज्यादा वॉक हो सके करें जितनी ज्यादा एक्सरसाइज हो सके करें खुद को पॉजिटिव रखें खुद को पॉजिटिव रखें और एक लाइफ का इमेज डिजाइन करें सुबह का नाश्ता टाइम पे करیں, करें कोशिश करें बॉयल अंडे का इस्तेमाल करें साथ आप दही ले सकते हैं दही बेस्ट ऑप्शन है उसके बाद आप दोपहर का ये वो चीज़ें जो मैं इस्तेमाल करता हूँ ले सकते हैं आप सैलड इस्तेमाल करें उसमें आप चिकन मिलता है या मटन मिलता है या वट जो भी है साथ रोटी ले लें और रात के खाने में आप कोशिश करें कि वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें साथ में सूखी रोटी का ये चाय रस ये कोई नाश्ता नहीं है ये इसमें जीरो प्रोटीन है जस्ट इसमें जो है ना वो आ, आपको जो है ना वो आ, मिल रहे हैं कैलरीज मिल रही हैं लेकिन वो भी सिर्फ शुगर की फॉर्म में ये सारा शुगरी तो फूड तो है ये जो आप ले रही हैं ये ना लें अपने आपको पॉजिटिव रखें पॉजिटिव रखें बी योर फ्रेंड अपनी दोस्त बने और एक अपने थॉट प्रोसेस में एक चीज ये डाल दें कि शादी के बाद जो आप सोच रही हैं ना अगर खुदा ना खास्ता वो ना भी हुआ तो क्या हो जाएगा सोचे जरा क्या हो जाएगा

मैं वो आपको चीज पे मुझे बहुत डिस्टर्ब किया आपको एक आदमी की साइकोलॉजी बताऊं मर्द की जी मैं बींग मर्द आपको एक चीज बता सकता हूँ बींग मैन एक चीज बता सकता हूँ मर्द के लिए अगर कोई सबसे कमजोरी वाली चीज है ना तो उसकी औरत है मर्द के और बजे की बात यह है कि मर्द औरत के लिए इतना पागल हो सकता है कि औरत को इस बात का अंदाजा ही नहीं है जो मतलब शरीफ लड़कियां होती है उन बेचारियों को तो इन चीजों का नहीं पता होता लेकिन जो उस तरह की होती है ना उनको इस चीज़ का पता होता है तभी वो मर् से बहुत ज्यादा पैसा खेचती है तभी वो मर्ज से बहुत कुछ खेच सकती है, जो लेती है। जी। आपको अपनी वर्थ का अंदाजा ही नहीं है मैं मेरी मैं बेसिकली ना एक थोड़ा सा थोड़ा सा वॉइस रीडर हूँ थोड़ी सी मैं वॉइस बंदे को अंदाजा लगा लेता हूँ और थोड़ा सा फेस रीडर भी हूं मैं ये दो चीजें हैं क्योंकि मेरा कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस है तो हम मैं आंखें बंद करके डायलिंग करता था उसके वॉइस पिच से अंदाजा लगाता था, था कि ये सेल देगा कि नहीं देगा आपकी जो सबसे अच्छी चीज ये है ना कि आपके अंदर एहसास है दूसरी चीज ये है कि आप कभी भी अपने हस्बैंड को तंग करने वाली नहीं होगी मैंने जहां तक आपको देखा है दूसरी चीज ये तीसरी चीज ये कि आपकी आपकी चीजों में ठहराव है औरत जल्दबाज ना हो और ठहराव वाली हो ऐसी औरत शायद ही किसी किस्मत वाले मर्द को मिलती है मैं मोस्टली मर्दों से मिलता हूँ और मोस्टली एक ही कंप्लेन होता है यार हमारी बीवियां ये भी मांग रही हैं वो भी मांग रही हैं ये भी चाह रही जब बिजनेस बदे में ठहराव है ना जो जल्दबाज औरत नहीं है वो एक आइडियल वाइफ है और मर्द की कमजोरी औरत है वो कभी भी अपनी वाइफ को जो है ना वो दुख नहीं देना चाहता अगर तो औरत उसे दुख नहीं देती और अगर मर्द दुख देता भी है ना वक्ती तौर तो पे देता है मर्द की साइकोलॉजी हर जो है ना वो बदलती रहती है औरत वो होती है जिसकी साइकोलॉजी बदलने में टाइम लग, मतलब उसके माइंड के स्टेट्स बदलने में टाइम लगता है आप देखिएगा ऐसा क्यों होता है कि सौ में से नन्यावे परसेंट जो मर्द होते हैं जो गलत कर रहे होते हैं वो बाद में ठीक हो जाते हैं और सौ में से जो औरतें गलत कर रही हैं, होती हैं सिर्फ एक परसेंट ठीक होती है और नन्यानवे परसेंट गलत की गलत रहती हैं क्यों जी। उसकी बेसिक रीजन ये है कि औरतों में एक्सेप्टेंस बहुत कम होती है और औरतों में गलत और सही में फैसला करने की जो है ना वो पावर बहुत कम होती है जी। मर्द अगर आपकी तरबियत अच्छी है ना तो आपके नसीब कभी माड़े नहीं हो सकते मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जी आ, मैंने अक्सर फेसबुक पे भी देखा है कि औरतों की ना अच्छी अच्छे नसीबों की दुआ करते हैं मैं चाहता हूँ मैं कहता हूँ कि अच्छे नसीब से ज्यादा ना आप अच्छी तरबियत की गारंटी देता हूँ क्योंकि मैंने बड़ी अच्छे अच्छे लड़कों को अपनी बीवियां छोड़ते देखा बड़े अच्छे अच्छे लड़कों को वो ऐसे मर्द थे कि कि मैं कहता हूं कि मेरे से कई गुना ज्यादा अच्छे मर्द और उनकी बीवियां बदले में क्या बदतमीज बदजुबान जरा जरा बात पे लड़ने वाली झगड़ा करने वाली आपके नसीब अल्लाह ने अच्छे जोड़े थे कि आपको एक अच्छा मर्द दिया आपकी बुरी तरबियत ने उस मर्द को इतना बुरा कर दिया कि उसने आपको छोड़ने पे फैसला कर लिया मैं ऐसी औरत को भी जानता हूँ जिसने अपने शोहर का गिरे बान पकड़ कर कहा कि तू दे मुझे तलाक तू देता क्यों नहीं ये मेरे दोस्त की रियल लाइफ स्टोरी है तू दे। तलाक दे नीचे मेरा मेरा जो नया शोहर है वो इंतजार कर रहा है तू मुझे तलाक दी कि मेरे दोस्त की लाइफ स्टोरी जो मेरा दोस्त जिंदगी में गुजर कर आया उस बंदे ने तलाक एवे नहीं दी और वो इतना डिसेंट लड़का मैंने जिंदगी में मतलब मेरा दोस्त है तो डजन मिनट अच्छा ही कह रहा हूँ बट मैंने लाइफ में एक बहुत डिसेंट लड़के को भी रोते हुए देखा और एक ऐसी लड़की के लिए जिसे उसकी जरा परवा नहीं तो अच्छे नसीब के साथ साथ ना अच्छी तरबियत की भी इंसान को गारंटी होनी चाहिए आप चूंकि ठोस खा मतलब काफी ज्यादा जो है ना वो ठोकरे खा चुकी हैं लाइफ में आपको पता है कि लोगों के बिहेवियर्स कैसे हैं आपको पता है कि लोगों को कैसे कौन सी चीज हट मैं एक ही चीज जानता हूं जिसकी आंख में खुद दुख होता है ना जिसकी आंख में खुद दर्द होता है वो कभी दूसरे को दर्द तकलीफ नहीं दे सकता बिल्कुल हम, हम वो चीजें कर देते हैं कि अक्सर खामोश हो जाते हैं और जब कोई बंदा खामोश हो जाता है ना तो यही उसकी सबसे बड़ी जो है ना वो दर्द की निशानी होती है कि उसने अपने दर्द को अपने अंदर कर दिया और अल्लाह पे मामला छोड़ दिया तो आपकी इस चीज के बरक्स मतलब मैंने जितना आपको देखा है और जितना मैंने आपको अभी तक स्टडी किया मुझे नहीं लगता कि आपकी लाइफ आगे वाली जो लाइफ है वो कुछ ऐसा हो सकता है मुझे नहीं लगता आप खाम का डर रही है ठीक है और आपका हस्बैंड इंशाल्लाह आपकी सोच से ज्यादा अच्छा होगा ठीक है और आप खुद अच्छी हैं तो अल्लाह तला भी आपको अच्छा क्योंकि तो, तो कुरान के फैसले हैं जैसा मर्द वैसी औरत अगर अल्लाह को ज्यादा पसंद हुई है आप तो फिर अल्लाह हो सकता है थोड़ी सी आजमाइश भी जोड़ दे तो अल्लाह के मामले है ना तो अल्लाह के मामले है मैंने तो बड़े-बड़े अच्छे मर्दों के साथ देखा है मेरा मैं मैंने एक ऐसे बंदे को देखा वो मेरे पास कोचिंग के लिए आया उसकी बीवी लिटरली उसको गालियां देती थी जी दे। और उसने कहा जी मैं इसको तलाक नहीं दूंगा मुझे बस आप ये ट्रेन कर दें कि मैं जो इसकी गालियां भी फूल लगे बड़ी ट्रेनिंग ली उसने लेकिन उसके बाद में उसकी बीवी ने उसको गालियां देनी छोड़ दी दे। उसका थोड़ा मसला था इसी तरह एक औरत को मैंने देखा बेचारी इतनी सुलझी हुई लड़की इतनी अच्छी लड़की उसका शोहर जो था वो गलत कामों में इन्वॉल्व था उसने अल्लाह से दुआ की अल्लाह के साथ लगी रही बड़े लोगों ने कहा तलाक ले लो ये कर लो वो कर लो अल्लाह ने उसका शोहर ही बदल दिया उसके शोहर की मैंटालिटी बदल गई तो अल्लाह तला से दुआ करे ना इंसान और आगे की लाइफ के बारे में अच्छा सोचे मैं आपको मैं कहता हूँ आपको कि इनशाला आपकी आगे की लाइफ बड़ी बेहतरीन है बड़ी खुशकिस्मत है कि आपने अपने अंदर एक आईना रखा है वो आईना आपने दूसरों की तरफ दिख के लिए नहीं अपने आप को कि मेरे अंदर क्या क्या गलतियां हैं जब कोई लाइफ पार्टनर आपको दुख दे के से सो जाए ना तो समझ जाए कि वो बंदे की तरबियत ऐसी है कि अब वो आपको कभी जिंदगी में खुशियां नहीं दे सकता दुख दुख दु, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि दुख ही मिलेगा और आप जैसा बंदा जो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता तो अगर कोई गलती से कर भी दिया हर्ट दुख दे भी दिया तो माफी तो मांग सकते हैं ना आप और जब कोई औरत अपने शोहर से माफी मांगती है ना होता है वैसे शायद कभी होता हो जो औरतें अपने शोहरों से माफिया मांगती है ना तो फिर शोहर के दिल में उनसे उनके लिए ज्यादा मोहब्बत होती है तो अगली लाइफ को लेकर रिलैक्स रहें कोई और चीज है आपकी डिस्कस करना चाहेंगे नहीं थैंक यू सर बस यही मेरे मेन इश्यूज थे ठीक है तो अभी क्विक रिव्यू में मैं आपको बता दूं एक तो आपने वो जो खाने को लेके कर रहे एक्सरसाइज करनी है आपने कि आपने खाना खा रही हैं ठीक है ठीके? और एनजाइटी ये वो सिम्टम्स जो भी कोई आपसे कहे आपने गूगल सर्च नहीं करने किसी से नहीं सुनने और कोई अगर कह भी देता तो कहना कि उसकी कुछ अपनी भी गलतियां होंगी और कुछ हो सकता है उसको कुदरती बीमारी होगी हो तो आपने उस बस उसको बदल देना है बिलीफ सिस्टम आप अपना मजीद स्ट्रॉन्ग करें अपने आप पे यकीन रखें इस पे यकीन, यकीन रखें ट्रैवलिंग फोबिया आपने वैसे ही ठीक करना है पैनिक अटैक्स जब भी आपको आए आपने कोशिश यही करनी है थोड़ा मुस्कुरा लें पानी पी लें अपनी नॉर्मल ब्रेथ को कर दें और शादी के बाद लाइफ आपकी कैसी होगी उसको ख्याल रखिएगा ठीक है मुझे कुछ दिनों बाद जो है वो आप लाजमन अपडेट कीजिएगा आपका आपके ऊपर इन बातों ने कितना असर किया ठीक है अगेन अमल करेंगे ठीक है ख्याल रखिएगा अपना असला